दोस्तों, आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि कैसे इंसान दूसरे ग्रहों पर चले जाते हैं, वहां रहने वाले अजीबोगरीब जीवों से मिलते हैं। ये सब देखकर आपका मन भी जिज्ञासा से भर जाता होगा। आप सोचते होंगे कि क्या सच में पृथ्वी से बाहर कहीं जीवन है, और यदि है तो क्या हम इंसान कभी उस जीवन को तलाश पाएंगे, या फिर कुदरत ने दो जीवन रूपी ग्रहों के बीच ऐसी सीमाएँ बनाई है जिन सीमाओं को हम इंसान कभी नहीं लांग सकते। दोस्तों, सच तो ये है कि ये ब्रह्मांड एक विशाल जाल है जिसमें हम अपने ग्रह और सौरमंडल समेत फंसे हुए हैं, और भले ही हम कितनी भी तरक्की कर ले, किंतु इस ब्रह्मांड की दूरियों के सामने हम मनुष्य सदैव बोने ही रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इस विशाल ब्रह्मांड में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तय कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी रात्रि में आकाश की तरफ देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये टिमटिमाते तारे हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, परंतु सच तो ये है कि तारे भी पैदा होते हैं और मरते भी हैं। अगर हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की बात करें तो वैज्ञानिक गणना के अनुसार हमारी आकाशगंगा के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक की दूरी करीब 2 लाख प्रकाश वर्ष है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यदि हम प्रकाश की गति को भी हासिल कर लेते हैं तो भी हमें सिर्फ अपनी आकाशगंगा में घूमने के लिए 2 लाख सालों का समय चाहिए। 2 लाख प्रकाश वर्षों तक फैली हमारी आकाशगंगा में करीब 10,000 करोड़ तारे मौजूद हैं। जरा सोचे कि वर्तमान समय में हमारी आकाशगंगा में प्रतिवर्ष कितने नए तारों का जन्म होता होगा, हजारों का, लाखों का या करोड़ों तारों का। वास्तव में हमारी गैलेक्सी में प्रतिवर्ष औसतन सिर्फ 3 नए तारे ही जन्म लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड में जितने तारों ने जन्म लेना था उतने तारे पहले ही जन्म ले चुके हैं। हम इंसान अभी जिस समय में जी रहे हैं उस समय में नए तारों की बनने की प्रक्रिया लगभग थम सी गई है, और अब ब्रह्मांड अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एंड्रोमेडा जैसी करीब 50 दूसरी आकाशगंगाओं के साथ मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती है। ये ग्रुप तकरीबन 1 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है। ऐसे ही 100 ग्रुप्स के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे सुपर क्लस्टरों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें गिनना तक संभव नहीं है। ये सभी सुपर क्लस्टर यानी आकाश गंगाओं के समूह तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इनकी एक दूसरे से दूर जाने की गति प्रकाश की गति से भी अधिक तेज है, यानी यदि हम प्रकाश की गति को भी हासिल कर ले तो भी यहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। एक तरह से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड की 94% आकाश गंगाएं तो हमसे इतनी अधिक दूर जा चुकी हैं कि हम कभी भी किसी भी गति से वहां नहीं जा सकते। मतलब अंतरिक्ष में ऐसी सीमाएं हैं जिन सीमाओं को लांघा नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है, सभी आकाश गंगाओं की आपसी दूरी क्यों बढ़ रही है, ये समझने के लिए हमें बिग बैंग की थ्योरी को समझना होगा। इस थ्योरी के अनुसार करीब 14 अरब साल पहले सभी भौतिक तत्व और ऊर्जा एक ही बिंदु के रूप में सिमटे हुए थे, फिर अचानक से एक विस्फोट की भांति उस बिंदु ने फैलना शुरू किया। ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण उसी बिंदु से शुरू हुआ। ये बिंदु एक समान नहीं था, इसका कुछ हिस्सा अधिक घनत्व वाला था तो कुछ हिस्सा कम घनत्व वाला। इसी वजह से आज हमें ब्रह्मांड में कहीं अधिक तारे दिखाई देते हैं तो कहीं कम। दोस्तों, जिस बिंदु में फैलाव होकर यह ब्रह्मांड बना उस बिंदु का फैलाव आज तक जारी है, और इस फैलाव की वजह है डार्क एनर्जी यानी अदृश्य ऊर्जा। यह एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है पर हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम ना माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर जबरदस्त रूप से हमारे ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। दोस्तों, 1990 तक हम ये तो जान चुके थे कि हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, और हम ये भी मानने लगे थे कि वक्त के साथ ब्रह्मांड का फैलाव धीमा भी हो रहा है, जिस कारण से एक दिन ये फैलाव रुककर वापस संकुचित शुरू हो जाएगा और ब्रह्मांड वापस फिर से उसी बिंदु में समाहित हो जाएगा। किंतु वर्ष 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से हमें एक चौंका देने वाली जानकारी पता लगी। असल में हमें ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वो रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। ये गति क्यों बढ़ रही है हमें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए इस गति के पीछे एक ऊर्जा की कल्पना की गई। माना गया कि ब्रह्मांड के रिक्त स्थानों में भी एक एनर्जी की मौजूदगी है।
इसी एनर्जी को डार्क एनर्जी नाम दिया गया, यानी ब्रह्मांड कहीं से भी खाली नहीं है। दो तारों के बीच जो खाली स्थान हमें दिखाई देता है, उसी स्थान पर डार्क एनर्जी मौजूद है, और ये डार्क एनर्जी किसी अनजान वजह से लगातार बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा ये एनर्जी बढ़ रही है, उतना ही ज़्यादा ये स्थान भी घेर रही है, जिस कारण ये एनर्जी ब्रह्मांड के सभी पिंडों को धकेलते हुए एक दूसरे से दूर कर रही है। इस फैलाव का प्रभाव यह है कि यदि हम किसी आकाश गंगा की ओर प्रकाश की गति से भी बढ़ते हैं, तो जब तक हम उस आकाश गंगा तक पहुंचेंगे, तब तक वो आकाश गंगा वहां होगी ही नहीं, बल्कि वो वहां से और भी लाखों प्रकाश वर्ष दूर जा चुकी होगी, यानी उस आकाश गंगा तक पहुंचना नामुमकिन है। दोस्तों, यहां से कॉस्मोलॉजिकल क्षितिज की परिकल्पना उभरती है। ये एक ऐसा आभासी क्षितिज है जहां हम इंसान किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकते, फिर चाहे हम कितनी भी तरक्की कर जाएं। आज हमें दिखाई देने वाली 94% आकाश गंगाएं कॉस्मोलॉजिकल क्षितिज के पार जा चुकी हैं, यानी इन आकाश गंगाओं को हम सदा के लिए खो चुके हैं। इन तक पहुंचने के लिए कोई तकनीक या कोई रफ्तार काम नहीं आने वाली। अब यहां एक सवाल उठता है कि अगर ये आकाश गंगाएं हमसे इतनी दूर जा चुकी हैं, तो हम इन्हें देख कैसे पा रहे हैं? दोस्तों, हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी पर हर एक सेकंड खरबों आकाश गंगाओं से प्रकाश पहुंच रहा है, लेकिन इस प्रकाश को बहुत लंबी यात्रा करके आना पड़ रहा है। यदि कोई आकाश गंगा हमसे 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका सीधा मतलब है कि आज हम उस आकाश गंगा से निकले उस प्रकाश को देख रहे हैं जो प्रकाश वहां से 1,00,000 साल पहले निकला था। मतलब हम उस आकाश गंगा का 1,00,000 साल पुराना स्वरूप ही देख पा रहे हैं। कोई भी तारा वास्तव में वहाँ है ही नहीं जहाँ हमें दिखाई दे रहा है। हम सभी तारों का केवल भूतकाल ही देख पा रहे हैं। देखा जाए तो इस फैलते ब्रह्मांड में हर एक सेकंड में करीब 60,000 तारे हमसे इतनी दूर चले जाते हैं कि अब उन तारों की टिमटिमाती रोशनी हम तक नहीं पहुँच पाएगी। किंतु फिर भी ये तारे अगले लाखों सालों तक हमें यूं ही दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि हम जिस प्रकाश को देख पा रहे हैं, वो प्रकाश इन तारों ने लाखों सालों पहले छोड़ा था। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड का 94% हिस्सा हमारे लिए ओझल हो चुका है, और अब हमारी खोजों के लिए सिर्फ 6% ब्रह्मांड ही बचा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस 6% ब्रह्मांड में तो आने वाले भविष्य में हम सैर करने लगेंगे। वस्तुतः यह 6% ब्रह्मांड भी करीब 18 अरब प्रकाश वर्षों की दूरी तक फैला हुआ है, यानी यदि हम प्रकाश की गति भी हासिल कर ले, तो भी इस ब्रह्मांड में घूमने के लिए हमें जितना समय चाहिए, उतना समय तो हमारी पृथ्वी को बने हुए भी नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 6% ब्रह्मांड की दूरियां भी कितनी अधिक है, और ये इतनी अधिक दूरी लगातार और भी अधिक होती जा रही है। यानी हमारे पास बेहद थोड़ा ही समय है अपने सौरमंडल से बाहर किसी अन्य ग्रह पर जीवन तलाशने का। वास्तविकता तो यह है कि ये 6% ब्रह्मांड भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हमारी सबसे नजदीकी आकाश गंगा का नाम कैनिस मेजर है। अगर हम प्रकाश की गति से वहां जा सके, तो 25,000 सालों में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक ये दूरी और भी अधिक हो चुकी होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर जाएं, हम कभी किसी अन्य आकाश गंगा पर नहीं पहुंच पाएंगे। वस्तुतः यह ब्रह्मांड इतनी विशाल और जटिल संरचना के साथ बना है कि यदि हम अपनी ही आकाश गंगा के सबसे निकटतम तारे तक पहुंच जाएं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार ही होगा। फिलहाल तो हम मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए अपना सर खपा रहे हैं। मंगल ग्रह प्रकाश की गति से चलने पर पृथ्वी से सिर्फ 4 मिनटों की ही दूरी पर होगा। दोस्तों, एक और अवधारणा यह भी है कि दूरी और नज़दीकी दोनों ही इकाइयों में अंतर सिर्फ वक्त का होता है। जैसे ही वक्त आगे बढ़ता है, दूरी नज़दीकी में और नज़दीकी दूरी में तब्दील हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दें, तो एक दिन पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस इसी स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आप चले थे। आप चले थे पश्चिम की ओर, किंतु आएंगे पूर्व की ओर से।
तो क्या लगातार एक दूसरे से दूर जा रही आकाश गंगाओं का भी यही व्यवहार होगा? क्या ये आकाश गंगा किसी अन्य तरफ से फिर एक दूसरे के पास आ जाएंगी? यदि ऐसा होगा तो करोड़ों तारे एक दूसरे से टकराकर नष्ट होंगे। अंतरिक्ष में इतनी अधिक ऊर्जा बहेगी जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव है, और अरबों सालों तक चलने वाले भयंकर विस्फोटों के बाद शायद ये सारा ब्रह्मांड वापस उसी बिंदु में समाहित हो जाएगा जहां से इसने शुरुआत की थी। सारा स्पेस टाइम, सारी डार्क एनर्जी भी लुप्त हो चुकी होगी। उसके बाद उस बिंदु का क्या होगा या वो बिंदु कहां जाएगा, हम कभी नहीं जान पाएंगे। वैसे वो बिंदु आया कहां से था, हम तो ये भी नहीं जानते। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।